चले गई। आप लोगों को क्या लगता है कि मुराद वाकई फंसा हुआ है, बेचारा है, या वो बुजदिल है, हिम्मत नहीं है उसमें, या वो वाकई ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते फॉर व्हाट ही इज़ डूइंग। अच्छा, अगर मैं एक भाई के नज़रिए से बोलूँ तो बेचारा फंसा हुआ है, और अगर मेरा खुद का शौहर ऐसा होता तो मैं उसको कहती बुजदिल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, कितना दो पॉइंट ऑफ व्यूज ये है। अगर मैं निगी की तरह देख रही हूँ तो वो बुजदिल नहीं है, वो बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि अम्मी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इकरा। लेकिन अगर मैं उस जगह होती असल में तो मैं बुजदिल कहती उसे। ये फ़र्क है। मैंने दोनों जवाब दे दिए, अब आपको जो भी लेना है आप वो ले लें। हाँ, हमने मतलब इस प्ले में ना हर कैरेक्टर जस्टिफाइड है। माँ की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बेटा हाथ से निकल गया, उसकी शायद सारी इमोशनल डिपेंडेंसी बेटे पे है, और इमोशनल, फाइनेंशियल, और फिर माशरे में आपको एक घर में एक मर्द है तो ये भी एक स्टेटस है आपका कि इस घर, अगर खाली औरतें हों तो शायद किराए पे घर ना मिले, वैसे तो इनका अपना घर है, बट जनरली हाउ वेमेन आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी और द वेमेन हैव बीन ट्रीटेड इन द सोसाइटी, ठीक है। तो उसका एक वो है प्राइड कि मेरा एक बेटा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, वो एक स्टेटस भी है आपका, ठीक है। तो वो अगर बेटा हाथ से निकल गया, वो सारा वो ज़रा सा भी वो माँ को यूँ कर कि माँ को देखते देखते यूँ भी करेगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगी, ठीक है, वो डर जाएगी, और फिर उसके रिएक्शन में उसके वही अगेन डिफेंस है उसके, वो हाउ कुड यू, तो वही उसका बेटियों पे भी है। आप लोगों को लगता है वुमेन, औरतें, हम लोग जो हैं वो बहुत दफ़ा मर्दों पर जो प्रेशर है उसको हम रियलाइज़ नहीं करते और अनकॉन्शियसली उस प्रेशर का हिस्सा बन जाते हैं। आप लोग अपने आसपास देखते हैं, और स्पेशली ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप लोगों को आप लोगों ने कुछ सोचा, कुछ चेंज हुआ, या आप लोग ऑलरेडी चेंज थे? हम ऑलरेडी चेंज थे। लेकिन हाँ, ये शुरू से होता आ रहा है कि घर में एक कमाने वाला होता है ना, सब खाने वाले होते हैं, ठीक है। एक हमारे अगर कमा रहा है बाहर से, बाहर चला गया मुल्क से बाहर, या अपने मुल्क में कमा रहा है, तो बाकी तो सब यू नो बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जिनमें बाकी सब पैरासाइट्स बन जाते हैं। बहन का मियाँ भी नहीं कमा रहा, फलानी कज़न भी नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है ना, चलो हमें भी दो, हमें भी दो, ये मसला हो गया। किसी की कमेटी निकल आए तो सबकी प्रॉब्लम उसको पता चल जाती है कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी का घर, आप अपना घर बेच के देखें, आपको पूरे ख़ानदान का, पूरे मोहल्लेदारों का सब प्रॉब्लम्स पता चल जाएगा। अब एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो जो हकदार है उनकी भी ले रहा है, जो जिनका नहीं बनता उनकी भी ले रहा है, तो सब लोग उसका एडवांटेज भी लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए बहनें भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए माँ भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है। ऐसे अग्री, हम अपने मर्दों को इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, हम उनको उस पोजीशन पे भी ले जाते हैं जहाँ पे वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, या अगर वो फ्रीक आउट कर जाता है, कोई बड़ा स्टैंड लेता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर रहे होते हैं। ऐसा होता है। आपने कुछ ऐड करना है सना इसमें? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरे दो भाई हैं, और वो लोग भी जॉब करते हैं, उनकी भी अपनी, लोगों को लगता है कि सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, जबकि आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि अगला भी अगर कहीं से आ रहा है तो वो किसी प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, और हम सिर्फ अपना फीट करने के चक्कर में मेरा ये प्रॉब्लम सुनो। तो एक वक्त आता है जब इंसान बिल्कुल भर जाता है, और सबकी अपनी टेंशन्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और आई थिंक हमें मर्दों का या लड़कों का हमारे घर में जितने भी हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर वो आए हैं तो उनको काम करना है, उनको संभालना है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं साथ में, लेकिन आप उनको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते उन चीज़ों पर। जितनी औरत काम करके थकती है उतना मर्द भी काम करके थकता है। हम थोड़ी देर काम करते हैं, कुछ होते हैं, अच्छा आप लोग तो करते ही हो काम, ऐसा नहीं होता। अगर आप बात करते हो कि मर्द और औरत आजकल जो है कि बराबर हैं, तो फिर मर्द को उस तरह आप ट्रीट भी करो ना बराबर। आप बाकी चीज़ों में अपने आप को उनसे ऊपर समझते हो या उनसे नीचे समझते हो, तो इस चीज़ में अपने बराबर क्यों नहीं समझते हो आप? सना, आपके इर्द गिर्द जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं आजकल, जो थोड़ी यंगर जनरेशन है, क्या औरतों और मर्दों के जो मसले मसाइल हैं उन पे इक्वल अब अटेंशन दी जा रही है, या अभी भी हम औरतों को ज़्यादा मजलूम समझ के उनके इश्यूज़ पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं? दोनों है आजकल। क्या वाकई व्हाट मेन गो थ्रू, डू वी रियली पे अटेंशन टू इट? बिकॉज अभी भी जैसे जब मैं मन्नत मुराद भी देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत दफ़ा हम मुराद के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। मुझे जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रखती है, मैं ये नहीं कह रही कि मुराद हमेशा सही है या मुराद जो कर रहा है वो सही है, बट आई डू द ड्रामा हिट्स मी दैट मर्दों पे कितना प्रेशर है, लाइक मुराद जैसे मर्द पे कितना प्रेशर है फ्रॉम हिज वाइफ एंड फ्रॉम हिज मदर, मोर फ्रॉम हिज मदर एंड हिज सिस्टर्स। और हम इस उसमें कि ओ यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करना ही है, एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग बिकॉज यू आर अ मैन। हम भूल जाते हैं कि कितनी देर तक वो ये प्रेशर ले पाएंगे, कहाँ उनकी बस हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा। पहले मुझे लगता था कि और जब मेरे साथ मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी तो मुझे लगता था औरतें मजलूम। फिर जब मैं देखती हूँ पता है क्या होता है हमारी सोसाइटी में एट दिस एज, जो मेरी भी एक इस एज में आपकी बड़ी लंबी जर्नी हो चुकी होती है ना, यू नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मजलूम ना औरत है, मजलूम ना मर्द है, मजलूम जालिम ना औरत है, जालिम ना मर्द है। ठीक है, जालिम औरत भी हो सकती है, जालिम मर्द भी हो सकता है। कुछ केसेस में औरतें मर्द के साथ इतना बुरा कर रही हैं, कुछ ज़्यादा केसेस में मर्द औरत के साथ बहुत बहुत बुरा कर रहे हैं। ठीक है, तो जालिम होना या मजलूम होना कैन कम फ्रॉम बोथ हैंड्स। ट्रू, ठीक है। और मुराद के केस में, मुराद एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ये भी कह रहे हैं कि स्पाइनलेस कैरेक्टर और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप उसकी पोजिशन को समझें। एक बच्चे को पाला माने है, ठीक है, आप छोटी एज में जो चीज़ फीड कर देंगे वो वही बन जाएगा, आपकी जड़ों में बैठ जाती है वो चीज़ जो उस एज में। अब माँ ने पाला है, माँ का एक बड़ा रुतबा है, कैसे वो माँ को के आगे खड़ा होकर जवाब देते, उसको पता है लड़ाई कर लेगा, लेकिन जब माँ हर्ट होगी तो वो क्या करेगा। वो ही, दिस इज़ नॉट बीइंग स्पाइनलेस, दिस इज़ बीइंग केयरिंग, कि वो अगली के इमोशंस का ख्याल रख रहा है कि मेरी वजह से मेरी माँ हर्ट होगी तो मेरी माँ का मेरे अलावा है कौन, ही इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। लेकिन वो फिर औरत अपनी बीवी का हक तो मार रहा है ना, ये क्वेश्चन भी तो आता है। यही तो दिखाया कि कैसे वो फंसा हुआ है और कैसे हमारे मर्द अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बीवी भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए माँ भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई माएँ या बीवियाँ मिलके, इस केस में बीवी नहीं उस पोजीशन पे ला रही, लेकिन मिल के अक्सर मर्द को ऐसी सिचुएशन पे ले आते हैं जहाँ पे वो बेबस हो जाता है। और ये वही मर्द ऐसे होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो नहीं लेते वो कहते हैं जाओ तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, भाड़ में मैं बैठा हूँ, करना जो कर लो। मन्नत और रज़िया सुल्ताना दोनों फेस टू फेस, राइट। एंड रज़िया सुल्ताना जो है वो और उनकी चारों बेटियाँ, वो एक औरत की ही जा रही हैं, जो नंदे हैं वो टॉक्सिक हुई हुई अपनी भाभी के लिए। अभी तक बहुत कम हमने उनका कंसर्न देखा है। मेरा ही क्वेश्चन होता है औरत की सपोर्ट औरत को कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक फैक्ट भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर आप करना चाहते हो सपोर्ट, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, वो आपकी कोई भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि औरत ही कहने को सपोर्ट करना चाहती है पर वो करती नहीं है कभी, सिवाय आपके माँ की। तो वो एक मैंने चीज़ कहीं पढ़ी थी कि नखरे आपके सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब तो सिर्फ उंगलियाँ उठाते हैं, इस तरह की बात। बाप भी उठाता है ना, तो बात औरत और मर्द की तो है ही। मैं वही कह रही हूँ कि औरत का सपोर्ट, अब आगे जैसे आप देखेंगे तो उसमें मेरी तरफ से भी आपको मन्नत के टूवर्ड्स सपोर्ट मिलेगा कि वो उसके इन्फ्लुएंस में भी आएगी बहुत। तो मुझे इतरत और निगहत से सबसे ज़्यादा शिकवा है। नुदरत और फजीलत तो मुझे समझ आ रही है कि वो उनकी सिचुएशन ऐसी हैं दैट आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो रिलेट कर रहे, लेकिन मुझे इतरत और क्योंकि उसने खुद लव मैरिज की थी, और निगहत मुझे छोटी लगती है निकी, तो मुझे लगता है उसका इतना विजन मुझे माफ़ी है यार, ये अच्छा छोटे होने के बाद जो भी करती है। मैं छोटी हूँ, देखिए मैं खाना खाती हूँ और मैं क्रिकेट देखती हूँ, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हम कुछ आगे रोमांस देखेंगे। माँ की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, माँ के आगे कौन बोले, और छोटी तो बिल्कुल ना बोले। और माँ अगर गलत हो तो फिर, अब आई नो माँ इज अ वेरी मोहतरम रिश्ता एंड एवरीथिंग, बट इट मेक्स मी क्वेश्चन, अगर माँ आपकी गलत कह रही है तो फिर क्या किया जाए, क्या गलत को बर्दाश्त किया जाए, क्या एक दूसरे इंसान का हक मारा जाए। Generally what would you say? पता है, मैं खैर मेरी अम्मी तो I was too young when she died, but जो आपके बड़े होते हैं बट आप ये करते हैं कि जब अगले को गुस्सा चढ़ाओ